हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया। और यह जो नोटिस है अपडेट है वो क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी को बताता हूँ। जो चैनल में नया आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है वो सभी को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि यह क्या है। तो ये है कोरिएंडम करके आया हुआ, देखिए। और यहाँ पर है जो एग्ज़ाम को लेकर के, वह है कांस्टेबल जीटी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफएस एनआईएसएसएफ एंड राइफल में जीटी इन असम राइफल्स एग्जाम 2021। तो 2021 का जो जीडी एग्जाम है उसी को लेकर के यह नोटिस अपडेट आया हुआ है। तो इसमें क्या है यह देखते हैं। तो द कैंडिडेट्स में रिफर फॉर द जीडी इन असम राइफल्स एग्जाम 2021 द फारा 13.2 ऑफ द एफोरसेड नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन रिवाइज्ड इन कंसल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नाउ मे बी रीड एज फॉलो। तो यहाँ पे जो है वो पारा यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे रिव्यू करके बताया गया है क्या चीज़ें। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से जो भी बताया गया है उसके बाद में क्या है वो नीचे में आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट्स स्कोरिंग बिलो मैंसनड कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज पीईटी पीएसटी। तो यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट्स को जो कैंडिडेट्स का जो स्कोर है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कटअप में, जिसमें से वहाँ पे एडिशनल बोनस मार्क्स एनसीसी का है उसको नहीं जोड़ा गया है। और विल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज पीईटी पीएसटी। तो यहाँ पे कटअप मार्क दिया गया, तो जितने भी कटअप दिया गया उस हिसाब से जो पास किए हैं उन्हीं को अब शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेज पीईटी पीएसटी के लिए, यानी कि फिजिकल एग्जाम जो होगा उसके लिए। तो यूआर के लिए जो है वो 30% होना चाहिए, फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 25% और एसटी एससी और ईएसएम के लिए 20% का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है मेंशन कटअप मार्क्स जो है वो आप लोगों का यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी के लिए 30%, 25% और 20% है। और इसमें से जो है एनसीसी सर्टिफिकेट को एडिशनल बोनस मार्क्स नहीं जोड़ा गया है, उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं बात बाकी उनको एलिजिबल कर दिया जाएगा, शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो यहाँ पे जो है 30%, 25% और 20% ये आप लोगों का मार्क्स रहने वाला है वहाँ पर कटअप मार्क्स। और ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आज ही का ये आया हुआ है नोटिस 24/3/2022 का, यानी कि 24 मार्च 2022 का नोटिस है। तो अब एसएससी जीडी जो है 2021 एग्जाम का वो अब लगता है बहुत जल्द ही पीईटी और पीएसटी का डेट निकाल देगा। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो उसका तैयारी करते रहें। तो यही एक नया अपडेट आया हुआ है जो कि कटअप को लेकर के बताया गया है। तो यही हमारा एसएससी का नया और इम्पोर्टेंट कोरिएंडम करके है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे।